यूपी के हमीरपुर जिले में सदर विधानसभा सीट 228 बहन लिए चल रही नामांकन प्रक्रिया में आज नामांकन के सातवें दिन बीएसपी प्रत्याशी नौशाद अली ने अपना दूसरा नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान नामांकन स्थल में सुरक्षा के भारी इंतजाम किए गए और भारी मात्रा में पुलिस बल को तैनात किया गया। नामांकन पत्र भरने के बाद नौशाद अली विद्या मंदिर के मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। हमीरपुर जिले के कलेक्ट्रेट प्रांगण में 28 अगस्त से 4 सितंबर तक सदर विधानसभा सीट 228 के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू है, जिसमें आज बीएसपी प्रत्याशी नौशाद अली ने अपना दूसरा नामांकन पत्र दाखिल किया। गौरतलब है कि नौशाद अली कन्नौज जिले के रहने वाले हैं और बीएसपी सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के ओएसडी थे। उन्हें मायावती ने एमएलसी भी बनाया था और हमीरपुर विधानसभा उपचुनाव में वो अपनी दावेदारी देते हुए मैदान में है। हमीरपुर से सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज। बहन कुमारी मायावती जी ने जो हमीरपुर में उपचुनाव हो रहा है, यहाँ चुनाव लड़ने के लिए मुझे आशीर्वाद दिया है और मैंने कल 2 तारीख को 2 सीट दाखिल किए और आज 3 तारीख को मैंने 2 सीट दाखिल कर दिए हैं। और जहाँ तक मुद्दों का सवाल है, बहुजन समाज पार्टी की जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, 4 बार सरकार रही है, 1995 में 4.5 महीना, 1997 में 6 महीना और 2002 में 15 महीना और 2007 में फुल फ्लेश की सरकार रही है। और उन सरकारों में बुंदेलखंड का पूरा विकास होता था और यहाँ तक हमीरपुर का, जहाँ तक मैं जब हमीरपुर आता था, हमीरपुर में मैं बुंदेलखंड का लगभग 9 से 10 साल कोऑर्डिनेशन किया और मैं देखता था कि पूरा हमीरपुर हरा भरा था। आज जिधर मैं निकलता हूँ, सारे ट्रक पेट्रोल पंपों पे खड़े हैं, रास्तों में खड़े हैं, ट्रकों में टायर सड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, कबरई की गिट्टी बंद है और जो हमारा लेबर है वो फैक्ट्रियों से निकाला जा रहा है। इस देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ती जा रही है और इतना ही नहीं, जो मौदा पे इधर जो फैक्ट्रियां हैं उसमें बंद पड़ी हैं और सारी फैक्ट्रियों का लेबर बाहर किया जा रहा है। और मैं ये आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों ने यहाँ जनता का, मुझे बहन जी का तो आशीर्वाद मिल गया, जब मुझे जनता का आशीर्वाद मिल जाएगा, आप सबका आशीर्वाद मिल जाएगा, मैं हमीरपुर विधानसभा जीतने के बाद सारी बात विधानसभा में उठाऊंगा और सरकार को बाध्य करेंगे कि हमीरपुर जनता में, हमीरपुर विधानसभा में विकास हो। और जब मेरी सरकार बनेगी तब तो मेरा 2022 में 10 मिनट का काम होगा। धन्यवाद।